हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के इन्वेस्टर्स को ये न्यूज़ खुश कर सकता है। लार्सन एंड टूब्रो को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो का अगर हम 52 वीक हाई देखें दोस्तों, तो ये 1600 रुपए के आसपास है। 1600 रुपए के आसपास इसका हाई है और ये स्टॉक गिरा है और 660 661 के लेवल तक ये गिरा है। और ये कब गिरा है दोस्तों? पिछले 2 महीनों में ही, जब कोरोना वायरस को लेकर मार्केट में भयंकर सेलिंग चल रही है। और आज की तारीख में दोस्तों, एक बहुत ही क्रूशियल और सेंसिटिव प्रोजेक्ट इसको मिला है। स्टॉक का भाव भी ऊपर है, 800 के पास इसका स्टॉक का प्राइस गया है, 3.5% ऊपर है इसका स्टॉक का प्राइस। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको बताएं, लार्सन एंड टूब्रो का अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल ही सिर्फ हम देखें, तो 12-13 सालों के सबसे लोएस्ट स्तर पर है। 11 के आसपास का इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस अर्निंग मल्टीपल हम कह सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इस बिजनेस पर हम बात करते हैं दोस्तों। द स्मार्ट वर्ल्ड कर कर ये कम्युनिकेशन बिजनेस का आर्म है, एलएनटी कंस्ट्रक्शन के अंडर में आता है। अब एलएनटी कंस्ट्रक्शन आता है लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी के अंडर में। उसने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है आर्मी की तरफ से। अब आर्मी का प्लान है एक यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना दोस्तों, और ये भारत में पहली बार बन रहा है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेटवर्क है, यूनिक नेटवर्क है। और इसका काम क्या रहेगा? मैनेज करना, सपोर्ट करना और ऑपरेट करना पूरे देश में आर्म फोर्स नेटवर्क को, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम की तरफ से। तो अगर हम खाली देश की बात करें, तो पूरे इंडिया के लिए भी एक बहुत ही, एक कह सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करने जा रही है लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो ये जो टोटल जो बिजनेस या वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट की, 2500 से 5000 करोड़ के बीच में। और एलएनटी को ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते ही रहते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो दोस्तों, या फिर इंजीनियरिंग में हो, या फिर टेक्नोलॉजी में हो दोस्तों। तो एलएनटी को प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलते ही रहते हैं, इससे भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं दोस्तों। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना ऐसी मार्केट में, जहां पर पूरे देश में लॉकडाउन है, बहुत बड़ी बात है आर्मी की तरफ से दोस्तों। अब ये जो प्रोजेक्ट जो मिला है, 18 महीने के अंदर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर 3 साल की वारंटी रहेगी और फिर 7 साल तक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा दोस्तों। अब जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही है, सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल 7 लेयर्स अंडर एनएफएस विच इंटरकनेक्ट्स 414 डिफेंस स्टेशन। जितने भी डिफेंस स्टेशन हैं, सबको एक मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगी, और उसके थ्रू में जो भी काम होंगे भविष्य में, आर्मी के जो स्पेशलाइज्ड काम है वो इसके थ्रू में होंगे। एक डेटाबेस हम कह सकते हैं वो रहेगा दोस्तों, रियल टाइम मॉनिटरिंग रहेगी और टोटल कंप्लीट आईटी नेटवर्क रहेगा, जिसकी वजह से भविष्य में इंडियन आर्मी का जो नेटवर्क है, इसका ये एक बैकबोन बन सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों एलएनटी को। हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये जीतता रहे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये एग्जीक्यूट करता रहे दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं एलएनटी के, वो जरूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। इस प्रोजेक्ट पर उनकी क्या राय है? आपके टाइम, आपके समय के लिए दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।